हाँ मतलब लिखाया जाता वही मैच कर लिया जाता मैच कर लीजिए। तो आप कहाँ से हैं? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, रतनपुरा। सुपौल डिस्ट्रिक्ट रतनपुरा। देखिए सुपौल डिस्ट्रिक्ट और रतनपुरा ये राइटिंग के लिए। हाँ सब विषय में लिखवाया जाता है। साइंस था? साइंस में क्या था, बायो था या मैथ? बायो था, मैथ भी था, एक्स्ट्रा में था। मतलब कि इनका एक्स्ट्रा में मैथ था लेकिन बायो इनका मेन सब्जेक्ट था, ठीक है? यानी किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से ये बची थी और इनका इंटरव्यू हो चुका है। तो थोड़ा साइड आइए रोड से इधर। तो इनका इंटरव्यू हो चुका है तो फिर बताइए अंदर क्या क्या आपसे सवाल पूछा गया, क्योंकि बच्चे हमसे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन करें कि सर जाइएगा तो जरूर पूछेगा कि सवाल क्या क्या पूछा गया। सवाल मतलब जो अभी हम अटेंड किए थे ना एग्जाम में उससे आया था 50% मतलब उससे था क्वेश्चन, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी पूछा गया था सब सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन आया गया था उसी से रिलेटेड था। मतलब कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा था और कोई एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछा गया? नहीं सिलेबस से एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं था। मतलब ये नहीं जो एग्जाम में आया था उसके अलावा भी कुछ अगले इंटरव्यू में आने वाले हैं वो उनको डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि बच्ची से सुन लीजिए बोला जा रहा है कि कोऑपरेट किया जा रहा है वहाँ पे, आपको वहाँ पे टीचर जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, डरने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं है। और आप आइए, आपका कल भी टोकर वेरिफिकेशन है तो जितने भी छात्र हैं वो डरेंगे नहीं। और देखिए आपको क्या लर्न करना है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़े क्या पूछा जाएगा, तो ये बच्ची खुद बता रही है कि जो आपके एग्जाम में आया था उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अच्छा हाँ देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि बायो का पेपर हार्ड था सर, हम लोग टॉपर नहीं आ सकते। तो मतलब आपको भी पेपर हार्ड लगा था? एनसीईआरटी से बाहर, एनसीईआरटी से जब बाहर नहीं था तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हार्ड था? तो देखिए ये यानी ये बायो क्यों छात्रा है, ठीक है? आप लोग जो बोल रहे थे ना कि बायो से सर बायो का हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हम टॉपर नहीं आ सकते, तो देखिए बायो क्यों छात्रा है और ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए इनसे फिर आप जब ये इनका रिजल्ट आ जाएगा फिर इनके इनके बाद इनके पास जाया जाएगा और मिला जाएगा इनके पास और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जब आप टॉपर आ जाइएगा तो फिर हम कॉल करेंगे तो रिसीव कीजिएगा। हाँ आइएगा, जब यहाँ पे आ गए तो आप टॉपर आइएगा, या डिस्ट्रिक्ट में टॉपर आइए या फिर अपने स्कूल में टॉपर आइए या फिर बिहार टॉपर आइए, लेकिन आइएगा जरूर, अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि इसीलिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। चलिए आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन है भैया? इनके टीचर हैं? तो ऑफलाइन टीचर या ऑनलाइन? आ जाइए इधर आइएगा। और ऑनलाइन टीचर? ऑफलाइन। ऑफलाइन देखिए ये इनके गुरु जी हैं और इन गुरु जी की ही अहम भूमिका होती है। पापा जी, पापा जी ये इनके पापा जी, पापा जी जिससे भी मुलाकात करेंगे पहले गुरु जी से मिल लेते हैं, और ये इन लोगों की अहम भूमिका होती है, ठीक है? टॉपर अगर कोई बच्चा करता है तो इन लोगों के बदौलत ही करता है, अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर लड़का जो टॉपर नहीं कर पाएगा। तो सर आप सब बच्चों को पढ़ाएंगे, लगभग आप कितने बच्चे को पढ़ाएंगे? देखिए फर्स्ट बैच में टॉपर लाना बहुत बड़ी बात होती है और सर का फर्स्ट बैच था और फर्स्ट बैच से टॉपर लाए हैं। सर आपका नाम क्या होगा? सर प्रभाकर। प्रभाकर प्रसाद। का नाम है स्ट्रॉन्ग रूट। स्ट्रॉन्ग रूट करजन बजा करके पाँच, मतलब कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है कोर्ट ऑफिसर। तो देखिए ये सर हैं जो, तो फिर ये बताइए क्या ये ओनली एक ही बच्ची आई है टॉपर या कितने बच्चे अभी? एक को ही कितने बच्चे हैं अभी? एक को ही कॉल, अभी एक को ही कॉल आया। टोटल कितने बच्चे थे आपके इंटरव्यू? फर्स्ट बैच में 45। तो टोटल बायो से थे या मैथ से भी थे? मैथ से भी थे और ज़्यादातर बायो से थे। बायो से भी थे। तो देखिए सर आपका सब्जेक्ट कौन है, आप कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं? बायो वाले सर नहीं है? तो देखिए सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये इनके सर आए हैं बच्चे के साथ। देखिए जब किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी टीचर आता है, मैथ पढ़ाते थे, किसी भी स्टूडेंट के साथ जब टीचर आता है तो स्टूडेंट का डर जो होता है वो आधा 50% खत्म हो जाता है, पूरा एकदम 50%। तो ये सर आकर इस बच्चे को बहुत हेल्प किए, तो सर को धन्यवाद। और सर से पूछेंगे टोटल बातें कि कैसे इस बच्चे को हेल्प किए हैं और कैसे इसको टॉपर लाने में इनकी हम भूमिका क्या थी, सर कृपया बताएं। सर ये सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट को अगर अपना वो पूरा सिलेबस एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कोई भी है चाहे वो मतलब स्कूल वाले एग्जाम में पूछा जाए चाहे बोर्ड वाले, एनसीईआरटी का सिलेबस जो मेन होता है उसके तौर पर बच्चा कवर कर जाए तो आराम से, और जो भी सर जो भी बच्चा जहाँ भी पढ़े अपना वो सर जो भी पढ़ाते हैं उनका मटेरियल पूरा कम्प्लीट कर लें, साथ साथ क्वेश्चन में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर रिविजन, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो टेस्ट, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑल सब्जेक्ट का। तो टेस्ट देने से लिखने का प्रैक्टिस जो है वो बच्चा में बहुत अच्छा होता है, जिसके बाद टॉप 10 के लाइव में वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, लाइव में वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है लाइव में।
तो सर ये बताइए कि जो आप ये बता रहे हैं तो फिर कितने मतलब एक महीने पहले स्टार्ट कर दो महीना फर्स्ट बैच ही आई। इससे पहले हम लोग टेंथ में भी आए हुए हैं यहाँ पे, दो साल से बैक टू बैक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है टेंथ के स्टूडेंट का भी। ट्वेल्थ का मेरा फर्स्ट बैच था तो इसमें भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो हम लोग लास्ट का जो टेस्ट तो वैसे वीकली होता ही है, लेकिन लास्ट में जो मॉडल सेट से टेस्ट लेते हैं अपना से बना के पिछले दो मंथ से लेते हैं, मतलब दिसंबर और जनवरी महीना दो मंथ ये पूरा टेस्ट में अच्छे से दिसंबर तक में सिलेबस कम्प्लीट करके उसका टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन, इससे विद्यार्थी का बहुत बेहतर तैयारी। चलिए मतलब ये पता चल गया आपको कि अगर आपको अच्छी तैयारी करना है टॉपर तक आना है तो फिर आपको अब सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर लेना है और जनवरी फरवरी जो है आपका वो आपको टेस्ट देना है। और ये किस तरह की दोनों लेते थे? देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे खुलासा हुआ, यह हुआ कि अगर आपको टॉपर वैकेशन के लिए आना है अगले साल जो भी बच्चे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले दिसंबर तक पूरा सिलेबस जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी टीचर हो उनसे बोलिए कि दिसंबर तक मेरा सिलेबस खत्म कीजिए और हम ताकि दो महीने जो है वो अपना टेस्ट दे सके या फिर रिविजन कर सके। चलिए सर आपसे मिलकर, और देखिए इस बच्चे के जो पिताजी हैं इनसे भी मिलने का हम प्रयास करेंगे और बात करेंगे चाचा से भी कि ये बताइए चाचा जी आपको कैसा लगा? अच्छा ये बताइए चाचा जी भोजपुरी बुक आती है ना? हिंदी आती है। देखिए यही हम लोग की बिहार में कमी है कि भोजपुरी नहीं आती है, भोजपुरी बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब एक बार गुजरात और महाराष्ट्र गए थे तो वहाँ पे हम यह देखे थे कि जो वहाँ का लोकल लोग हैं वो हिंदी में सबसे पहले अच्छी बात नहीं करते, गुजराती या मराठी बोलेगा, जैसे आप हिंदी बोलते हैं वो फिर वो हिंदी बोलेगा, तो ये हमारी कमी है और भोजपुरी को बढ़ावा देना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। देखिए लेकिन हाँ अंकल से पूछेंगे कि जो आपकी बच्ची जॉब आई है तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? मेरी बच्ची बचपन से ही मेधावी थी, मेधावी थी बचपन से। हाँ मैडम उनको पढ़ाने का काम किया और बच्चे स्कूल में पढ़ाया और जो जो उनको मुहैया किया। अच्छी बताइए कितने घंटे बच्चे ये साल से 15 घंटे मिला तो फिर ट्यूशन मतलब घर पे मिला के अच्छे घर पे ओनली घर पे कितना है तैयारी करते हैं? सात से आठ घंटा। तो घर पे पढ़ते हैं इतना तो आप लोग बुझाते नहीं थे कि इतना मत पढ़ो? मम्मी को चाहते थे सपोर्ट करते थे, मम्मी को बोलते थे मत डांटो। मतलब कि जब बच्ची 15 घंटे घर पे पढ़ती थी तो क्या होता था कि इनके पापा में और मम्मी में लड़ाई होने लगता था, इनकी मम्मी बोलती थी कि नहीं जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अब मत पढ़ो, तो पापा बोलते कि नहीं जब पढ़ेगी तभी तो टॉपर आएगी। देखिए ये इनकी सपोर्ट है तभी जाके आज ये टॉपर आई है। और ये बताइए अंकल कि आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का, थोड़ा सा और इधर हो जाइए ना थोड़ा सा। अच्छी बताइए देखिए आप ये बिहार का माहौल आप लड़कियों को जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उनके बारे में आप साढ़े लड़की ही ज़्यादा टॉप की है कि अपना बिहार में कमी नहीं है। हाँ जितने भी गार्जियंस हैं बिहार में आप बगल में आइए ना सभी नहीं है तो लेकिन अधिकांश लोग वहाँ पढ़ाने के लिए हैं कि बच्ची आगे पढ़े और जिला का बिहार का नाम रोशन करे। चलिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर हम देखते हैं अगले कोई अगर लड़का लड़की देंगे, अगर कोई सर्वे मिलता है तो भी दिया जाएगा। आप बने रहिए वीडियो में और लाइव आपका चल रहा है, बीटीसी सेंटर पर आपका लाइव चल रहा है और इस बच्ची जब टॉपर आ जाएगी रिजल्ट आ जाएगा तो भी फिर हम उनसे मिलने जाएंगे। चलिए मिलते हैं।